तो क्या हाल है भाई लोगों? तो यार देखो, एक दिन ये गेम भी खत्म हो जाएगा, बट यार अगली जो जिंदगी बची है ना 30-40 साल की, उसमें हम इस गेम को कभी नहीं भुला पाएंगे। क्योंकि यार इस गेम की वजह से हम कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जिनको हम अपने रियल लाइफ में कभी जानते ही नहीं थे। उनसे हम गेम में मिले और उनसे इतनी पक्की यारी हो गई है कि अब हम उन्हें चाहकर भी नहीं भुला सकते। और यार ये सिर्फ एक गेम ही नहीं है, ये हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और एक हमारा सच्चा दोस्त है। और ना जाने इस गेम ने कितने ही लोगों को मिलाया है और शायद बहुतों का तो दिल भी टूटा है। पर जो भी हो यार, आपको अपने नूब स्क्वाड और अपनी प्रो स्क्वाड हमेशा याद रहती है, और इसलिए आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी नूब स्क्वाड के बारे में। और प्रो स्क्वाड को मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, जो कि हमारी बेस स्क्वाड है। बीस स्क्वाड के कुछ प्लेयर्स मिसिंग हैं जिनको मैं अभी भी मिस करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी कम बैक करेंगे। बीस स्क्वाड के जो भी मेंबर हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो यार देखो, सबकी टीम हकती है, सबकी टीम में कोई ना कोई न्यू प्लेयर होता है, बट बाकी के टीम के प्लेयर किलो में हकते हैं, और वही मेरी टीम कुंटल के कुंटल, टनों के टन हकती है। हाँ भाई लोगों, ये है मेरी टीम की हगने की स्पीड। ये सीमेंट और कंक्रीट हगते हैं, इसलिए पूरा पीक और पूरा क्लॉक टावर और पूरा भीमा शक्ति सड़ा रखा है। और इन्होंने हगने की एक नई जगह ढूंढ रखी है जो कि ऑब्जर्वेटिव। तो भाई लोगों, कोई भी बीआर मैप खेले तो ध्यान रखना पीक और क्लॉक टावर का, क्योंकि सबसे ज्यादा हगा यही है मेरी टीम ने। और यार देखो, डिमिट्री सोनिया जब से गेम में आए है ना, तब से मेरे दोस्त को किल ही नहीं मिल रहा है। तब मेरा दोस्त तुम दोनों की मागी शो। सही में यार, ये साली सोनिया जिस दिन मिल गई ना, इसको तो बहिया में कसी के सैया मारे लोग का चको, सोहिया में कसी के सैया मारे लोग का चको, चको। और भाई लोगों, एक मेरा दोस्त है मिस्टर जॉर्ड, और ये सिर्फ नाम का जॉर्ड नहीं है, ये काम का भी जॉर्ड है। क्योंकि जॉर्ड भाई पे खड़े बोर्ड पे हेड तो छोड़ो, बॉडी भी नहीं लगती है। हाँ ये मेरा दोस्त है, इनमें हगने की इतनी क्षमता है, अगर आज इनकी टट्टी बिकती ना तो मैं बिलियनियर होता। थैंक यू मेरे दोस्त इतना अच्छा हेड मारने के लिए। और भाई लोगों, जब भी मैं अपनी स्क्वाड को कस्टम मैच में लेके जाता हूँ, तब ना इनसे गोली चलती है, ना कवर दे पाते हैं और ना ही ये खेल पाते हैं। कोऑर्डिनेशन तो इनसे होता ही नहीं है, और मैच हम हारते बचते हैं, और तब मैं चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, नौ सखियों की तरह लड़ रहे थे हम। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सिपाही कहते हुए। ये तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि उनके लीडर को गोली लग गई और वो भाग खड़े हुए। अगर कुछ देर और टिक जाते तो यहाँ लाशें बिक जाती। हाँ भाई लोगों, ये एक बार का नहीं है, ये हर बार का है। और इनसे जितनी बार भी कस्टम में ले जाओ ना, इनका यही हाल होता है। मेरी हगोड़ी टीम जैसी भी है अच्छी है, और वहीं मैं और चाली भाई कस्टम रूम में 1v1। हाँ सारे हेड मुझे ही लगने हैं चार्ली भाई, मार दो मुझे। ऐसा गेम प्ले सामने वाले स्क्वाड के साथ भी खेल लिया करो, पर नहीं, मुझे तो तुम्हें ही मारने में मजा आता है। और भाई जीतू भाई की तो क्या ही बात करे, वो तो वन मैन आर्मी है, पूरी टीम को अकेला मार सकते हैं। और जब हम सब मर जाएं तब जीतू भाई। हाँ लास्ट सर्कल जोन में कुछ ऐसा ही हाल होता है हमारे जीतू भाई का। एनिमी कहाँ है। और हमारी कैंडी मैम, इनका फोन हमेशा एनिमी के सामने ही धोखा देता है। और जैसे ही हम जंप करते हैं, कैंडी मैम का फोन, वो नीचे उतरते ही मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बंदूक लेकर मैंने पोजीशन ली थी सर, पर मैं फायर ही नहीं कर सका। मुझे गलत मत समझिएगा सर, मैंने पूरी कोशिश की थी। वो अचानक
इतने सारे गोलियों की आवाज सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। अरे अरे मेरा फोन अटक गया, ऐसा कैंडी मैम बोलती है। एंड ये जब तक अपना किल कंफर्म ना कर लेना तब तक मजा ले, दूसरे को रिवाइव दे दे, जिंदगी पे खेल जाएगी, अपना किल ले जाएगी पर रिवाइव नहीं देगी। अरे कैंडी मैम कब देगा आपका फोन आपका साथ। और जब चार्ली भाई गेम में हो और गेम ना खेले और अपनी बंदे से बात करने चले जाए तब मैं। अरे हमला हुआ है। नहीं मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है, चार्ली भाई गेम में ऑन होते हैं पर गेम नहीं खेलते हैं क्योंकि उन्हें देश के विकास को रोकना होता है ना, इसलिए वो देश के विकास को रोकने के चक्कर में बिजी होते हैं। और भाई लोगों मुझे और जीतू भाई को बीआर खेलते टाइम जब अचानक लेवल 4 का वेस्ट मिल जाए तब मैं और जीतू भाई पे, हे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। अरे जीतू भाई आपके पास तो इतने भाभी हैं, इतने भाभी हैं कि आपके पास तो बहुत सारा लेवल 6 का भी वेस्ट होगा यार, ये मुझे दे दो, लेवल 4 का वेस्ट क्या करोगे। पर जीतू भाई भी नहीं, मैं लेवल 4 का भी रखेगा और लेवल 6 का भी रखेगा, रखो जीतू भाई। और वही मेरा दोस्त मिस्टर जॉर्ड लड़की का बंडल पहनते हुए। अरे जॉर्ड भाई आप कितना भी लड़की का बंडल पहन लो पर आप हगोगे ही। और वहीं जीतू भाई लेवल 4 के वेस्ट पहनने के बाद अरे जीतू भाई डरा क्यों रहे हो। और जीतू भाई वेस्ट तो पहन लोगे पर जिंदा काला सांप का क्या करोगे जो फनफनाते हुए घुटनों तक पहुंच जाता है, इसलिए कहता हूँ जीतू भाई सांप की सोचो वेस्ट की नहीं। और यार देखो सबकी स्क्वाड में कोई ना कोई नेडर होता है, हमारी स्क्वाड में भी है, हमारी स्क्वाड में कैंडी जी नेड करती है क्योंकि यही लेके आती है बीस्टन चचा को। पर जब कैंडी अपने ही ऊपर नेड फोड़ ले तब खत्म। हाँ और बनो नेडर की मौसी, फोड़ लिया ने अपने ऊपर ही नेड। और हाँ कैंडी मैम ये नेड बचा के रखो किसी और के काम आएगा। और तुम्हारे लिए एक गाना है। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी, गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी, खोल दे तू नारा ले तो भार दम पजमी। तो बस भाई लोगों आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ भाई लोगों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें, हम जरूर लेके आएंगे। और साथ ही हम बहुत जल्द लेके आएंगे प्रो स्क्वाड के बारे में कुछ अच्छी वीडियो। तो प्रो स्क्वाड वाले इतनी टेंशन मत लो क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।